Hey guys, thank you so much for coming back. कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील. चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. देखिए बच्चे लोग, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर. या जो बच्चे भी क्लास 11th में आ चुके हैं, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और वो बच्चे कंफ्यूजन में हैं, या बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है. हमने सर मेन सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल के बारे में सुना था, लेकिन हमारे स्कूल वाले या हमें सुनने को मिल रहा है कि उसके साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन होता है, तो उससे लेकर हमें बहुत सारे डाउट है. तो आज के वीडियो में बच्चे लोगों वो सारे डाउट आपके दूर होने वाले हैं. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने वाला हूं एडिशनल क्वेश्चंस के, या एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसके FAQs देखने वाला हूं. ये वो क्वेश्चन है जो कि हर बार कभी ना कभी मेरे से बच्चे पूछते ही पूछते हैं एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर. तो आपके इस वीडियो के थ्रू आप सब बच्चों के जितने भी डाउट है एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर, वो सारे आज के वीडियो में दूर होने वाले हैं. वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं बोर्ड पे. देखिए सबसे पहला सबसे 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 पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन एडिशनल और सिक्स्थ सब्जेक्ट. देखिए कॉम्बिनेशन क्या रहता है, 4+1+1 का, 4+1+1 का. देखिए बोर्ड में आते हैं और सिंपल तरीके से समझते हैं इसको. शुरू में देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है कॉमर्स मैथ का. मैं पीसीएम का भी समझा दूंगा, पीसीबी का भी समझा दूंगा, आर्ट्स वालों का भी समझा दूंगा, राइट. यहां पर कॉमर्स मैथ मान के चलिए आपने स्ट्रीम सेलेक्ट करी है, आपने अपना फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, या फिर मेरे बताए हुए तरीके से आपने कहीं ना कहीं तरीके से कहीं ना कहीं आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है. तो कॉमर्स और मैथ अगर आपने ली है, देखिए तो यहां पर कॉमर्स में तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स. तीन मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके, राइट. सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड में भी ऑलमोस्ट यही रहते हैं. फिर हमारा एक लैंग्वेज आता है जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश ऑफर करा जाता है. यहां तक क्लियर है, तीन मेन सब्जेक्ट, एक आपका इंग्लिश आता है लैंग्वेज. पीसीएम की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश. पीसीबी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, यहां तक कॉमन है. अब देखते हैं, अब हमें लेना पड़ता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट. यहां पर हमने क्या लिया है, ऑप्शनल कॉमर्स मैथ है, तो हमने मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है. एक और हमें एडिशनल चॉइस मिलती है, कंपलसरी नहीं है, चॉइस मिलती है कि हम सिक्स्थ हमारा जो सब्जेक्ट है, वो जो लंबी चौड़ी लिस्ट है जो स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, हर स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. यहां पर मान के चलते हैं इस बच्चे ने, जो सुंदर सा बच्चा है, आप हो सकते हैं, उसने फिजिकल एजुकेशन ली है, तो यहां पर सिक्स सब्जेक्ट हमारा हो गया फिजिकल एजुकेशन. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, एडिशनल सब्जेक्ट क्या है जो हमारे मेन के साथ ऑप्शनल के बाद आने वाला जो सिक्स सब्जेक्ट होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, हमारा एडिशनल सब्जेक्ट होता है. मार्कशीट में सिक्स्थ सब्जेक्ट भी मेंशन होता है, लेकिन ऑल ओवर परसेंटेज में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम डिस्कस करेंगे. देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ सिक्स्थ सब्जेक्ट इन क्लास 12. फायदे क्या है भाई, ये सिक्स्थ सब्जेक्ट ले तो लिया हमने उसके 12th में, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, फायदे क्या है. देखिए फायदे, सबसे पहला फायदा है कि आपकी परसेंटेज को बढ़ा देता है. परसेंटेज को सर कैसे बढ़ा सकता है, देखिए मान के चलते हैं, दो सिनारियो देता हूं आपको. कभी कभी क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए आपके, मार्क्स कम आ गए, अच्छा बोर्ड का रिजल्ट फाइव, टॉप फाइव सब्जेक्ट को मिलके बनता है. तो अगर मैथमेटिक्स में या ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए और एडिशनल में ज्यादा आ गए, तो इन्वॉल्व या इंक्लूड कौन से हो जाएंगे, हमारे एडिशनल के मार्क्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. या फिर मेन सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट में भी हो सकता है ना, मेन सब्जेक्ट में किसी में अकाउंटेंसी में आपके मान के चलिए मार्क्स कम आ गए और उनमें 80+ आ रहे हैं, और उनमें 80+ आ रहे हैं, यहां पर आपके 60 मार्क्स आ गए. तो जब टोटल टॉप फाइव सब्जेक्ट का क्राइटेरिया बनता है, बोर्ड की परसेंटेज बनती है, तो आपके फिजिकल एजुकेशन में मान के चलिए 80+ आए हैं, तो उसके मार्क्स इंक्लूड होकर आपके टोटल परसेंटेज बन जाएगी. तो कहीं ना कहीं आपका रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है या फिर मेन सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है हमारा एडिशनल सब्जेक्ट. तो ये हमारे फायदे हो गए, पहला फायदा. दूसरा फायदा क्या है,
बिगेस्ट फायदा जिसकी वजह से एडिशनल सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं वो है कैरियर ऑप्शंस आपके बढ़ा देता है। मान के चलिए कि इस केस में फिजिकल की जगह मैथमेटिक्स आपका अगर एडिशनल है तो मैथमेटिक्स लेने के कितने फायदे हैं मैं पहले भी बात कर चुका हूं। आप ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस दे सकते हैं, आप डिफेंस लाइन में ट्राई कर सकते हैं, राइट। आप एंट्रेंस वगैरह में आप जितने भी एंट्रेंस है वो तो दे ही सकते हैं। गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर एग्जामिनेशन में मैथ होती है तो बच्चा लोगों आपके कैरियर ऑप्शन जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। मान के चलिए एडिशनल यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, आपको स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाना है, अगर आपको बीपीएड करना है आगे, राइट, फिजिकल एजुकेशन का कोई कोर्स करना है तो वहां पर आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, या फिर आपको एडिशनल में क्या हो सकता है लीगल स्टडीज आपकी हो सकती है तो आपका लॉ अगर करना है तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो आपके फ्यूचर में आपको मदद करे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एक तो आप उसके बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं, फ्यूचर में कई सारे वो कोर्सेज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये दो बिगेस्ट एडवांटेज है, एक तो परसेंटेज आपके इंक्रीज कर देता है, वो कब करेगा जब आपने सिक्स्थ अपना सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट लिया हो जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट हो। अगर मान के चलिए मुश्किल से अगर 30 35 40 मार्क्स लाकर आप पास हो रहे हैं अपने एडिशनल सब्जेक्ट में तो लेने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, राइट, सिंपल हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सिक्स्थ सब्जेक्ट। यार फायदे तो देख लिए हमने दो, अब नुकसान क्या है इसके? नुकसान सबसे बड़ा है और सबसे सिंपल नुकसान है, बस की नहीं होता हर किसी के लेना, सिंपल सी बात है। ये चार सब्जेक्ट पढ़ लें वही बहुत है, अब एक ऑप्शनल भी लेना पड़ रहा है, चलो यार ये पढ़ लेते हैं, अब एक और एडिशनल भैया हमसे ना हो पाएगा, सिंपल सी बात ही है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट इसलिए नहीं लेते हैं या ले नहीं पाते हैं या बस की नहीं होती है क्योंकि यार इतना बर्डन वो सहन नहीं कर सकते हैं, राइट। हम ये तीन चार सब्जेक्ट पढ़ लें वही बहुत है, ऊपर से ऑप्शनल भी पढ़ना पड़ता है, एक और एडिशनल ले लेंगे तो बर्डन कितना हो जाएगा स्टडी में। तो सिंपल सा फंडा क्या है एडिशनल सब्जेक्ट लेने का, कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, हार्डवर्किंग है, मैनेज कर सकते हैं इतने सब्जेक्ट को सक्सेसफुली, तो बिल्कुल आप लीजिए एडिशनल सब्जेक्ट, आपको फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप पढ़ने से कतराते हैं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, राइट, और दो घंटे भी मुश्किल से पढ़ाई होती है, हमारे जितने सब्जेक्ट हैं वो पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है, तो आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल हो रहा है, सोबर रखेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने कन्वे कर दिया है। चलिए, इज अ सिक्स सब्जेक्ट कंपल्सरी इन क्लास 11? क्या फिजिकल एजुकेशन जो कि हमारा सिक्स सब्जेक्ट है या कोई भी हो सकता है सिक्स सब्जेक्ट, क्या सिक्स सब्जेक्ट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है, कोई जोर कोई जबरदस्ती नहीं है स्कूल की तरफ से, आपको ये चार कॉम्बिनेशन रखने या जो भी कॉम्बिनेशन रखना चाहो, एक ऑप्शनल रखना है, एडिशनल के लिए कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस है। परसेंटेज बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो यू कैन टेक इट, कैरियर ऑप्शन बढ़ाना चाहते हो यू कैन टेक इट, अपने मैनेज कर पाओगे स्टडी को देन यू कैन टेक इट, राइट। तो ये दो तीन क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है, सिंपल हो रहा है, यस और नो? चलिए, इज इट कंपल्सरी टू गिव द सिक्स सब्जेक्ट एग्जाम इफ आई हैव ऑप्टेड फॉर इट? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, मैंने एडिशनल ले लिया लेकिन फाइनल में आते आते, 11th की बात कर लेते हैं या 12th की बात कर लेते हैं, फाइनल तक आते आते मुझे रियलाइज हुआ कि सर बोर्ड है, मैं ये जो 6 के 6 सब्जेक्ट है ना सर, इस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मैं 5 ऑप्शनल कर लूंगा वही बहुत बड़ी बात है, तो मैं एडिशनल सर नहीं देना चाहता हूं ना बोर्ड में ना 11th के फाइनल में, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऑप्ट कर लिया है कि सर एडिशनल सब्जेक्ट मैंने ले लिया है, मैंने स्कूल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है और मैंने सिक्स सब्जेक्ट हमारा ले लिया है, तो बच्चा लोगों आपको एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, मार्कशीट में आपके ये शो होगा, और मेक श्योर करिए अगर मार्कशीट में अगर आपके शो होगा 12th की तो थोड़ा मेहनत करके इसमें अच्छी परसेंटेज लाओ ताकि वो मार्कशीट देखने में अच्छी लगे, सिंपल हो रहा है, राइट। तो एग्जामिनेशन बच्चा लोगों आपको देना पड़ेगा इफ यू हैव समहाउ ऑप्टेड फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट
और द सिक्स सब्जेक्ट, राइट। लास्ट क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट ऑप्शंस डू आई हैव फॉर सिक्स सब्जेक्ट। अब ये अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया है। देखिए हर स्कूल में डिपेंड करता है टीचर है या नहीं। अगर आपके टीचर में वैसे ही शॉर्टेज है तो उतने ही कम ऑप्शनल आपको मिलेंगे, सिंपल सा। कई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, ना तो टीचर है ना ग्राउंड है, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर साइंस नहीं होता, क्यों नहीं होता, लेबोरेटरीज नहीं है, सिंपल सा फंडा है, राइट। तो जितने ज्यादा ऑप्शन आपको देंगे उतना ज्यादा आपके पास भी ऑप्शंस रहेंगे उन सारी चीजों में चुनने के। तो अगर आप कि भाई मैथमेटिक्स नहीं दे रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में ही कैरियर बनाना है, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द स्कूल एज वेल, राइट। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से वो मेजर मेजर ज्यादातर स्कूलों में एडिशनल जो ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके मैं अभी नाम ले लेता हूं। देखिए साइकोलॉजी आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है, वो आप चूज कर सकते हैं, राइट। साइकोलॉजी जैसे मैंने पहले भी इन्फॉर्म करा हुआ है आपको, काउंसलिंग वगैरह में अगर आपको कैरियर बनाना है, अगर आपको या सिविल सर्विसेज में भी काम आता है, साइकोलॉजी सो एज सब्जेक्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, राइट। तो आप यार ये जो कला है वो तो हर किसी को आनी चाहिए। अगर आप हायर अथॉरिटी में वर्क करना चाहते हो, अच्छी पोजीशन में वर्क करना चाहते हो, तो दिस इज अ स्किल दैट एवरीबॉडी वांट्स टू हैव, राइट। मैथमेटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है, वो आप चूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स मिलता है, फिजिकल एजुकेशन मिलता है। अच्छा एक वीडियो आने वाला है, कल आ जाएगा या फिर परसों आ जाएगा, जहां पर मैं ऑप्शनल आपको चूज करना बताऊंगा, है ना। बहुत सारे ऑप्शनल मिलते हैं, यही सारे ऑप्शनल भी मिलते हैं, तो कैसे ऑप्शनल को चूज करना है वो सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में रहेगी। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज भी मिलता है। तो अगर लॉ लाइन में इंटरेस्ट है तो इस सब्जेक्ट को छोड़ना भी मत गलती से, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन बनना है तो ये सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना चाहिए। फाइन आर्ट्स उनके लिए होता है जो बंदे थोड़े से क्रिएटिव हैं, राइट। थोड़े क्रिएटिव हैं यार, थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह में, डांसिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह में थोड़ा सा आर्टिस्टिक उनका थोड़ा सा रहता है, तो वो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं। हो रहा है बच्चों लोगों? तो क्राइटेरिया मैंने बताया था, एडिशनल सब्जेक्ट लेने का क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स बढ़ाने हैं या फिर कैरियर ऑप्शंस अपने इंक्रीज करने हैं तो आप ले सकते हैं, राइट। जो सबसे फेमस है वो पीसीएमबी है, राइट। पीसीएमबी लेते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, या फिर आज के सिनारियों में जो थोड़ा सा स्टूडियस बच्चा है जिसको भी कैरियर ऑप्शंस अपने बढ़ाने हैं, राइट, वो बच्चा क्या कर सकता है, वो एडिशनल सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 सारे 6 के 6 क्वेश्चंस के जवाब देने की मैंने कोशिश करी है। वीडियो को जितना सिंपल रख सकता था मैंने कोशिश करी है, उतना ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक कन्वे कर सकूं। इस चैनल के थ्रू मेरा यही मोटो है कि कैरियर ऑप्शंस जितने भी इंडिया में अवेलेबल हो, आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो सारे आप बच्चों के सामने रखना, ताकि आप एक राइट चॉइस ले सकें अपने कैरियर के बारे में। उम्मीद करता हूं मेरी एफर्ट, मेरी रिसर्च, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।